दोस्तों हिंदी सिनेमा में पिछले काफी समय से बायोपिक का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दर्शकों की इसमें रुचि कम होती जा रही है। दूसरों की सफलता या असफलता की कहानी दर्शक ओटीटी पर तो भले ही चाव से देख ले, लेकिन अब बायोपिक के लिए लोग सिनेमा घरों का रुख कम ही कर लेते हैं। हालांकि फिर भी मेकर्स बायोपिक बना रहे हैं। हाल ही में रामचरण ने विराट कोहली की बायोपिक में काम करने की इच्छा जताई थी। वही अब दोस्तों खबर आ रही है कि मशहूर शेफ संजू कपूर की बायोपिक बनने जा रही है और इसके लिए उन्होंने अभिनेता भी चुन लिया है। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि सुपर शेफ तरला दलाल पर एक फिल्म बनने जा रही है। हाल ही में शेफ संजीव कुमार ट्विंकल खन्ना के चैट शो आइकॉन्स में नजर आए। इस दौरान ट्विंकल ने संजीव से सवाल पूछा कि अपनी बायोपिक के लिए आप किस अभिनेता को चुनेंगे या फिर पहले से उन्होंने किसी को कास्ट कर लिया है तो इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी दें। ट्विंकल के इस सवाल पर संजीव कपूर ने कहा, अक्षय कुमार जी कहाँ है, वो तो खाना भी अच्छा बनाते हैं। बता दें कि अक्षय कुमार खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वह खाना बनाना जानते हैं। अक्षय कुमार अभिनेता बनने से पहले शेफ थे और थाईलैंड में उन्होंने शेफ का काम किया है। हालांकि अक्षय कुमार संजीव कपूर की बायोपिक में काम करेंगे या नहीं अभी इस पर असमंजस है। दोस्तों अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्दी यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी के साथ OMG 2 में नजर आने वाले हैं। अभिनेता के पास लाइन में सोरराय पोटरू और कैप्सूल गिल भी है। वही अक्षय कुमार के पास बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी 3, वेलकम 3 जैसी बड़ी फिल्में हैं। साथ ही दोस्तों अक्षय कुमार ने कथित तौर पर दिनेश विजयन की अगली एक्शन ड्रामा स्काई फोर्स भी साइन की है। अक्षय कुमार कई बॉलीवुड फिल्मों के अलावा महेश मांजरेकर की फिल्म बेड़ात मराठी वीर दौड़ले 7 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाने वाले हैं। ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। वही अगले साल अक्षय कुमार तापसी पन्नू वाणी कपूर के साथ खेल खेल में मूवी में दिखाई देने वाले हैं। खेल खिलाड़ी कुमार की कई सारी मूवीज कतार में खड़ी है, लेकिन अब बाकी फैंस का ध्यान सबसे ज्यादा बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हेरा फेरी 3 पर है। जी हाँ, वैसे तो ये मूवीज आने में काफी वक्त है, लेकिन अब इसका बज अभी से बन चुका है। जी हाँ, और ये मूवीज खिलाड़ी के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज बनने वाली है, और बने भी क्यों ना। इन मूवीज का कई सालों से बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। एक तो फैंस खिलाड़ी कुमार को एक्शन करते देखना चाहते हैं, जो करने का खिलाड़ी ने अब ठान लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार को ज्यादा से ज्यादा एक्शन मूवीज करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।